पता नहीं तुम मेरे लिए क्या हो, पर मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। अब मैं किसी और का हो चुका हूँ। इन निब्बा निब्बी को देखकर इमोशनल मत हो जाना। दोनों के दोनों एआई से बोल पा रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा टूल जो मुर्दों में भी जान फूंक, मेरा मतलब किसी भी फोटो को बोलना सिखा दे। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे चैनल पर, जहां पर आपको मिलता है फ्री एआई कोर्स। और आज के इस वीडियो में हम कुछ इंटरेस्टिंग सीखने वाले हैं। आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे आप किसी भी इमेज या एआई ऑब्जेक्ट को बुलवा सकते हैं इमोशंस के साथ। इसके लिए जिस टूल का हम यूज़ करेंगे उसका नाम है हेडरा। hedra.com पर वेबसाइट पर आपको ये टूल मिल जाएगा। इसके ऊपर आप देख सकते हैं कुछ आपको सैंपल्स भी मिल जाते हैं, नीचे की तरफ कुछ लिंक्स भी मिल जाते हैं। कैसे इसको यूज़ करते हैं आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं, तो इसे लास्ट तक ज़रूर देखना। यहाँ पर ट्राई बीटा बटन पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको साइन इन का बटन मिलेगा। इस पर क्लिक करके आपको गूगल से साइन इन कर लेना है। आप चाहें तो सिंपल से ईमेल पासवर्ड डालकर भी साइनअप कर सकते हैं। मैंने गूगल से साइनअप कर लिया है। उसके बाद कुछ इस तरीके से आपको क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना है और ये आपका रेडी है यूज़ करने के लिए। वापस मैं ट्राई बीटा पर क्लिक करूँगा जिससे इसका जो डैशबोर्ड है कुछ इस तरीके से खुल जाता है। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं आप ऑडियो जनरेट यहाँ पर कर सकते हैं या फिर कुछ ऑलरेडी बने हुए ऑडियो या इवन गाने को भी आप अपलोड कर सकते हैं। और सेकंड स्क्रीन में आप यहाँ पर अपना इमेज या ऑब्जेक्ट अपलोड कर सकते हैं। बहुत सारे कैरेक्टर्स आपको मिल जाते हैं फीमेल और मेल वॉइसेस के, जिसे आप चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ऊपर अपना प्रॉम्प्ट डाल दूंगा, अपना जो ऑडियो का डिस्क्रिप्शन है वो डाल दूंगा जो मुझे ऑडियो बनाना है, और यहाँ से कैरेक्टर सेलेक्ट कर लूँगा। कैसे करना है इसका मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे डायलॉग चाहिए, तो मैं जनरेट ऑडियो टैब पर आऊँगा और यहाँ पर मैं अपना हिंदी में डायलॉग लिख रहा हूँ। और यहाँ से फिर मुझे एक वॉइस चूज़ करनी है, तो कोई भी फीमेल वॉइस मैं यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल रेचल अभी मैंने चूज़ कर लिया। आप चाहें तो इसे प्रीव्यू भी देख सकते हैं। सेकेंड जो विजेट आपका दिख रहा है, यहाँ पर आपको इमेज अपलोड कर देनी है। अपलोड बटन पर क्लिक करके मैं एआई से बनी हुई जो इमेज है उसको अपलोड कर रहा हूँ। एआई से इमेज कैसे बनाते हैं इसके लिए आप मेरे लियोनार्डो एआई के ट्यूटोरियल्स को देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपलोड करके अपना जो इमेज है या अपना जो मॉडल है उसे अपलोड कर दूंगा। आप चाहें तो इसी टूल के अंदर भी अपना जो मॉडल या करेक्टर है वो आसानी से बना सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट लिखना पड़ता है। तो एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट लिख करके बता देता हूँ। मुझे कुछ सैड गर्लफ्रेंड का चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अपने कैरेक्टर के बारे में यहाँ पर मैं प्रॉम्प्ट लिख दूंगा। जैसे मैंने लिख दिया है अ सैड गर्लफ्रेंड टॉकिंग टू हिज बॉयफ्रेंड अबाउट ब्रेकअप, समथिंग लाइक दैट। तो जैसे ही मैं ये लिख के नीचे क्रिएट बटन पर क्लिक करूँगा, ये ऑटोमेटिकली आपका कैरेक्टर जो है बना करके दे देगा। आप खुद का कैरेक्टर भी अपलोड कर सकते हैं या क्रिएट से आप नया कैरेक्टर भी बना सकते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर क्रिएट किया, क्रिएट बटन पर क्लिक किया, थोड़े टाइम बाद ये देखिए इसने AI इमेज बना करके दे दी। तो ये ऑप्शन भी इसमें अवेलेबल है। अभी मैं सिंपल अपलोड बटन पर क्लिक करके अपना लियोनार्डो AI से बनाया हुआ जो मॉडल है वो यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सिंपली जनरेट वीडियो जो बटन आपको दिख रहा होगा बड़ा सारा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। थोड़ा टाइम यहाँ पर लगेगा और उसके बाद जो है आपका जो वीडियो है वो आपका जो मॉडल है बोलता हुआ मॉडल आपका बन जाएगा। देखते हैं इसका कैसा आउटपुट आता है। यहाँ पर देखिए प्रोसेसिंग शुरू हो चुकी है। तो ये आपका जो वीडियो था बन चुका है। सिंपल सा प्ले बटन पे आप क्लिक करके प्रीव्यू देख सकते हैं। पता नहीं तुम मेरे लिए क्या हो, पर मैं तुम्हारे बिना रह, ये देखिए कितना बेहतरीन आउटपुट यहाँ पर बनाया। इसी तरह से मैं मेल वॉइस भी बना सकता हूँ। मैंने अपना डायलॉग पेस्ट कर दिया है, एक अच्छे से मेल कैरेक्टर को यहाँ पर मैं यूज़ कर लूँगा और फिर उसकी जो इमेज है यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी AI कैरेक्टर या AI इन्फ्लुएंसर जो आपने बनाया है, जिसकी इमेज आपने बनाई है, उसे आप कुछ भी बुलवा सकते हैं। बहुत ही इमोशनल और परफेक्ट तरीके से यहाँ पर आपको बोल करके वो दिखाएगा, जिसे आप अपने वीडियोस में यूज़ कर सकते हैं। अभी इसका बीटा वर्जन नहीं अवेलेबल है, लेकिन इन फ्यूचर इसका आप चाहें तो इसे अपग्रेड करके कमर्शियल यूज़ भी कर सकते हैं। ये था आज का हमारा छोटा सा AI ट्यूटोरियल। इसी तरह के इंटरेस्टिंग AI ट्यूटोरियल्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्री AI कोर्सेज के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।